हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ फैजाबाद और अभी मैं रास्ते में हूँ और सेकेंड टोल टैक्स आने वाला है जो कि है सोहावल के पास। सो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एक हॉस्पिटल में केस करना था तो वो वहाँ गए हैं। सॉरी कि मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। अपने ससुराल जा रही हूँ और ससुराल से जाऊँगी मैं गोसाईगंज जहाँ मेरे पापा जी का घर है और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही प्यारा सा घर बनवाया है। वहाँ गृह प्रवेश है, इसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। हम घर में दो बहुएं हैं, मैं बड़ी हूँ और मुझसे छोटी है एक। हम लोग यहाँ से सारा बहुत ही ज़्यादा सुबह से बहुत ज़्यादा पैकिंग वैकिंग करना था तो मुझे समय ही नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉग करूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी रूटीन फॉलो करती हूँ मैं वो आपको दिखाऊँ अपने चैनल पर। सो गाइस, बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को जिससे मैं आपको अपने घर में हो रहे अखंड रामायण पाठ में बहुत ही अच्छे से मैं व्लॉग कर पाऊँ और आप तक मैं उन सारी खुशियों को भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे अभी ससुराल में, फैजाबाद में मेरा ससुराल है और वहाँ से हम लोग 27 यानी कि कल हम लोग निकलेंगे गोसाईगंज के लिए क्योंकि गोसाईगंज में मेरे पापा जी का घर है और वहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे 3-4 दिन। और अभी नया घर है तो इसलिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जाना पड़ रहा है अपने साथ, काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जाना है और जिसके लिए मैंने काफ़ी कुछ पैकिंग की है जिसमें बहुत सारे बेडशीट हैं, पिलो है और ब्लैंकेट है क्योंकि गांव में क्या होता है ना गाइस कि बहुत जल्दी इस ठंडी शहर में बाद में आती है लेकिन गांव में पहले ही आ जाती है तो इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी करके जा रहे हैं जिससे कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये ठंडी पड़ती है तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो क्योंकि वहाँ से फैजाबाद काफ़ी 30 किलोमीटर है तो वहाँ से अप डाउन करना भी सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे पूजा है तो अपने ही घर की पूजा में खुद होना ज़्यादा बेहतर होता है। हालांकि वहाँ पे मेरी देवरानी है, बहुत सारी देवरानी है, सो मैं उन लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अखंड रामायण पाठ का पूरा वीडियोज़ बना पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ और मैंने जैसा कि बताया आपको सोहावल के पास खड़ी हूँ और जब से अनिका और भैया दीदी आए हैं तो घर छोड़ने का ही मन नहीं करता है, बहुत बहुत ज़्यादा अपना सा लगता है उनके साथ, बट जाना तो पड़ेगा ही। सो अभी मैं फैजाबाद जा रही हूँ और मैं आपको अपना फैजाबाद का ससुराल दिखाऊंगी जो कि मैंने अभी तक ससुराल का व्लॉग नहीं किया है। सो गाइस, मैं ससुराल पहुँचते ही मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी और आफ्टरनून में हम लोग जाएंगे गोसाईगंज तो मैं आपको वहाँ पर भी घुमाऊंगी, वहाँ का घर दिखाऊंगी, वो पूरा गाँव है, अपनी देवरानी से मिलवाऊंगी। और सो गाइस, अभी तो डॉक्टर साहब को आने में टाइम है तो मैं ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जहाँ मैं अभी रुकी हूँ और डॉक्टर साहब का वेट कर रही हूँ और एक नज़र मैं आपको दिखाती हूँ वेट। सो ये देखिए गाइस, ये बहुत ही बड़ा सा आम का पेड़ है और आम के पेड़ के नीचे ये है हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत खूबसूरत सा लग रहा है ये जगह। सो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ क्योंकि घर जाना था इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था तो डॉक्टर मुझे अपने साथ ले आए और मुझे इनके साथ रहना पसंद है चाहे वो जहाँ भी जाए। सो काफ़ी ग्रीनरी एरिया है ये देखिए आप, ये है इसका रोड और यहाँ से NH-27 है जो कि अयोध्या के लिए जाता है ये रोड। गाइस, डॉक्टर साहब आ चुके हैं और हम लोग अपनी जर्नी पे फिर से निकल चुके हैं, हम भी हमारी जर्नी को एंजॉय करेंगे।
और ये है मेरा ससुराल, यहाँ से एंट्रेंस है और बाकी मैं अभी अंदर जा रही हूँ। और गाइस मैं घर पहुँच गई हूँ और इस समय मैं अपने रूम में हूँ। सो बहुत सारे काम हैं और वो मुझे फटाफट कंप्लीट करने हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं यहाँ ससुराल में। सो मैं बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस बाद में करवाऊँगी और सबसे पहले मैं जो थोड़े बहुत काम बचे हैं उसको फटाफट कंप्लीट करा दूँ। और आज के लिए इतना ही है ब्लॉग में और बाकी सुरक्षित अपनों का ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।